एक बार की बात है, एक जादुई जंगल में एक शरारती सांप रहता था। उसका नाम विकराल था। वह अपने दुष्ट तरीकों के लिए कुख्यात था और अन्य प्राणियों के साथ चालाकी करना पसंद करता था। उसे जंगल को बाकी सभी के लिए एक डरावनी और दुखी जगह बनाने में मजा आया। उसी जंगल में एक सुंदर बगुला रहता था। उसका नाम था बतुकी। बतुकी अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उसका स्वभाव शांतिपूर्ण था और जब भी जरूरत होती थी तो वह हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करती थी। एक दिन उसने एक शांत तालाब के पास एक छिपे हुए घोंसले में अपने कीमती अंडे दिए। विकराल की नजर शुरू से ही बगुले के अंडों पर थी। एक सुबह जैसे ही सूरज निकला, विकराल चुपचाप जंगल से होकर बगुले के घोंसले की ओर बढ़ गया। वह अपनी दुष्ट योजना को अंजाम देने निकल पड़ा। एक पेड़ पर बैठी चिड़िया ने सांप के सारे इरादों के बारे में पता चल गया। उड़कर सीधा बतुकी के पास पहुंची और बोली, सुनो, तुम्हारे अंडे खाने के लिए ऐस जंगल का दुष्ट सांप विकराल आ रहा है। अपने अंडों की रक्षा करो। बतुकी ने बहुत सोचा और एक चतुर योजना बनाई। वह तेजी से उड़कर पेड़ों पर लटके मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंची और मधुमक्खियों से मदद मांगी। प्रिय मधुमक्खियां, विकराल मेरे अंडे चुराने और हमारे शांतिपूर्ण जंगल को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। क्या आप अंडों की रक्षा करने में मेरी मदद कर सकते हो? उसने विनती की। मधुमक्खियां, जो बतुकी की दयालुता की प्रशंसा करती थीं, उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गईं। वे विकराल के चारों ओर जोर जोर से भिनभिनाने लगीं, जिससे उसका ध्यान भटक गया और उसे बतुकी के घोंसले तक पहुंचने से रोक दिया गया। जैसे ही सांप ने मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की, वह और भी क्रोधित हो गया और अंडों तक पहुंचने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। इस बीच बतुकी तालाब की ओर उड़ी और अपनी चोंच में कुछ नरम मिट्टी इकट्ठा कर ली। वह घोंसले में वापस उड़ गई और ध्यान से अपने अंडों को मिट्टी से ढक दिया, जिससे वे पत्थर जैसे दिखने लगे। अब अंडे अच्छी तरह से छिपे हुए थे और विकराल के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। सांप, जो अभी भी मधुमक्खियों से निराश था, अंततः हार मान गया और यह सोचते हुए फिसल गया कि वह असफल हो गया है। लेकिन वह नहीं जानता था कि बतुकी ने उसे मात दे दी है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बतुकी ने अपने घोंसले पर कड़ी नजर रखी। उसने विकराल को कई बार अंडों की तलाश में लौटते देखा, लेकिन वह उन्हें नहीं ढूंढ सका। हर बार चतुर बगुला पास में छिप जाता था और धीरे धीरे हंसता था, क्योंकि सांप अधिक भ्रमित हो जाता था। अंततः एक दिन विकराल ने हार मान ली और हार कर तथा हतोत्साहित होकर जंगल छोड़ दिया। आशावान बतुकी और जंगल के सभी जानवर सांप के चले जाने पर आनंदित हुए और जंगल अपनी शांतिपूर्ण और खुशहाल स्थिति में लौट आया। आखिरकार बगुले के अंडे फूटे और वह अपने प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। जंगल ने छोटे बच्चों के आगमन का जश्न मनाया और बतुकी की चतुर योजना और उसके दोस्तों मधुमक्खियों की मदद की बदौलत वे सभी खुशी से रहने लगे। कहानी का सार यह है कि बुद्धिमत्ता और दयालुता सबसे चालाक खलनायकों पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। चतुर सोच और सहयोग से हम खुद को और अपने प्रियजनों को नुकसान से बचा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकते हैं।